नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजिनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो देखना है प्रेशर रिलीफ वाल्व मतलब PRV। जैसे आपको पता है कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में फर्स्ट कंपोनेंट होता है रिजर्वायर, फिर उसके बाद होता है पंप और उसके बाद होता है PRV। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी DC वाल्व के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, सिक्वेंस वाल्व के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, सर्किट्स भी मैंने सिमुलेशन और नॉर्मल सर्किट्स भी मैंने बताए हैं। लेकिन ये कुछ कंपोनेंट्स थे कि जो मैंने मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड नहीं किए थे, तो अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, तो इसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या है। एक आपका वॉल बॉडी है, वॉल बॉडी में एक कोनिकल पॉपेट है, दोनों साइड दो प्लेट है जहाँ पे क्या किया आपने एक स्प्रिंग एडजस्ट की है। यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू है, इसका हैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे ओपनिंग है एक, और यहाँ पे एक ओपनिंग है आपका, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है। अभी इसका वर्किंग कैसे है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या होता है, पंप से ऑयल आता है यहाँ से, यहाँ पे आपका पंप रहेगा, पंप से ऑयल आपकी सिस्टम की तरफ जा रहा है। अभी होता क्या है कि जब आपके सिस्टम पे जो प्रेशर रहता है वो क्या करते हो आप, जितना प्रेशर रहेगा उतना प्रेशर क्या करते हो आप यहाँ पे सेट करते हो कि अगर यहाँ इतने से ज़्यादा प्रेशर हुआ तो ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो जो प्रेशर प्रीसेट प्रेशर है वो है, तो ऑयल क्या होता है सिस्टम की तरफ जा रहा है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है ऑयल इधर भी आ रहा है, और आपका ये जो कोनिकल पॉपेट है वो कोनिकल पॉपेट पर क्या कर रहा है, वो प्रेशर एक्ट कर रहा है। लेकिन आपने जो प्रेशर सेट किया है उससे वो प्रेशर ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है वो पॉपेट लिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस नहीं हो रही है। तो ये नॉर्मल वर्किंग है, आपके सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा नहीं है। लेकिन कंसिडर करो आपका ये जो पंप है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, और कुछ कारणों की वजह से क्या हो गया, अचानक से आपके सिस्टम में प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, सिस्टम की तरफ जो जाने वाला ऑयल है एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, आपके कोनिकल पॉपेट के भी सरफेस पर प्रेशर एक्ट करेगा। जैसे वो प्रेशर आपके सेट प्रेशर से ज़्यादा होगा तब क्या हो जाएगा, ये कॉनिकल पॉपेट लिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो ऑयल है हाई प्रेशराइज ऑयल वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके टैंक की तरफ आएगा, और जब प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अनकॉम्प्रेस हो जाएगी, और ये पॉपेट अपनी जगह पे वापस जाके फिट हो जाएगा और पंप से वापस सिस्टम की तरफ फ्लो चलते रहेगा। मतलब ये जो PRV है ये कैसा है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में होता है। जब आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो क्या होता है, एक्चुएट होता है, प्रेशर नॉर्मल हुआ वो ऑफ हो जाता है। अभी इसका सिंबल कैसे बनाना है आप देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर किसका हुआ, ये जो वॉल बॉडी है उसका ये स्क्वायर हुआ, बाद में फिर ये पॉपेट है, ये पॉपेट कैसे होता है, ये आपका पंप से आने वाला प्रेशर है, लाइन है ये पंप से आने वाली, और ये आपकी रिजर्वायर की लाइन है। अभी ये पॉपेट निकालना है मुझको, पॉपेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरो निकालता हूँ। अभी ये एरो क्या है देखेंगे, और फिर यहाँ से ये जो प्रेशर आ रहा है ये प्रेशर का मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन दिखाई यहाँ पे, ठीक, फिर ये स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग एडजस्ट होती है इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे एरो बनाया है। अभी होता क्या है देखो, इसमें अभी पंप की तरफ से आपका प्रेशर आ रहा है तो वो क्या होता है, ये पायलट लाइन से यहाँ पे जाता है, और ये जो आपका स्पूल है ये स्पूल को क्या करता है, ये डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, मतलब वो आपका जो एरो है यहाँ पे आ जाता है, मतलब पंप से आने वाला ऑयल क्या होता है आपके टैंक की तरफ जाता है, ऐसा ये सिंबल है। आपको क्या करना है, इतना ही सिंबल ड्रॉ करना है, मतलब सिंबल कैसे बनाया वो मैंने समझाया है। अभी इसके आगे क्या देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, थैंक यू।